Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective of 5th semester Mechanical Engineering, subject code as a 22566. Practical number 23, develop maintenance procedure for preventive and predictive maintenance of a typical gas power plant and its components, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Learning outcomes. After completion of this practical video lecture, you are able to develop maintenance procedure for preventive and predictive maintenance of a typical gas power plant and its components. Program outcome will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. So let us discuss about maintenance. तो maintenance हमने इसके पहले भी बहुत सारे इसमें देखा. तो maintenance क्या होता है, इसका एक overview हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं. जो इसके पहले के कुछ lectures में हमने maintenance तो देखा, पर maintenance के types और क्या होता है, maintenance क्यों करते हैं, इसको हमने नहीं देखे. तो मेंटेनेंस के टाइप्स यहाँ पे बेसिकली दिए हैं, प्रिवेंटिव, करेक्टिव. ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर. तो प्रिवेंशन क्या है, तो जो भी कॉजेस होते हैं उसको होने से बचाना, दैट्स कॉल्ड एज ए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर. तो इस प्रिवेंटिव एक्शन में दो टाइप्स होते हैं, पीरियडिक एंड प्रिडिक्टिव. पीरियडिक में क्या होता है, जो भी एक टाइम लिमिट है उस टाइम पे हम स्टीम पावर प्लांट का मेंटेनेंस करेंगे. मीन्स मान लो कि हमें बॉयलर के एलिमेंट्स को चेक करना है, वॉल्स को चेक करना है, और उसका शेड्यूल है 15 डेज. तो हर 15 डेज के बाद हम उसको चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए पीरियडिक मेंटेनेंस. और इसमें हमें उस बॉयलर की या उस कंपोनेंट की जो भी स्टीम पावर प्लांट के अंदर है उसकी सर्विस मिलेगी. देन नेक्स्ट होता है हमारा प्रिडिक्टिव. प्रिडिक्टिव मीन्स अगर कहीं में प्रॉब्लम आ रही है, हम पीरियोडिक तो मेंटेनेंस कर रहे हैं, पर पता चला कि पीरियोडिक मेंटेनेंस के शेड्यूल के पहले ही हमारे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि कहीं तो भी लीकेज है, कहीं तो भी ब्रेक डाउन होने का चांसेस है, कहीं तो भी टर्बाइन का साउंड चेंज हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसमें फेल्यूअर का वेट नहीं करेंगे, फेल्यूअर से पहले ही हम उसका मेंटेनेंस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस. तो प्रॉब्लम आने वाली थी उसका हमें अंदाजा लगा, उस अंदाजे पे हमने उस पर प्रिवेंटिव एक्शन ली, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस. और देन है हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस. जब भी कोई चीज फेल होती है तो हम उस फेल को आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे फेल है, और उसको रिप्लेस करके, करेक्टिव रिप्लेसमेंट करके उसमें करेक्टिव एक्शन लेंगे, दैट इज द मेंटेनेंस टाइप्स. देन मेंटेनेंस ट्रिगर इवेंट और टास्क, कि हम उसमें किस तरह से मेंटेनेंस करेंगे, और इक्विपमेंट कंडीशन, उसमें आइडेंटिफाई करेंगे अननोन इक्विपमेंट कंडीशन एंड नोन इक्विपमेंट कंडीशन, और उस पर हम मेंटेनेंस एक्शन लेंगे एज ए सर्विस, प्रिवेंटिव रिप्लेसमेंट एंड करेक्टिव रिस्टोरेशन और रिप्लेसमेंट. दैट इज द टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस यूज इन ऑल इंडस्ट्री, एज ए मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री और पावर जनरेशन इंडस्ट्री, लाइक ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, गैस टर्बाइन पावर प्लांट एंड मेनी मोर्स. तो ये हमारे हैं मेंटेनेंस के टाइप्स. तो मेंटेनेंस क्यों करना है, तो जैसे कि हमें किसी भी सोर्स में, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो, पावर जनरेशन इंडस्ट्री हो, तो हमें क्या करना है, इनपुट लेना है और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है. तो हम पावर प्लांट का अगर देखते हैं एग्जाम्पल, तो पावर प्लांट के इनपुट में हमारे रिसोर्स होते हैं जिसका हम कन्वर्शन करते हैं एनर्जी पे, दैट इज ए इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पे हमारे इनपुट होंगे इन टर्म्स ऑफ पावर प्लांट, उसमें फाइनेंस लगेगा, ऑपरेशंस लगेंगे, इंफॉर्मेशन लगेगी, सिस्टम लगेगा और रिसोर्स लगेगा. जैसे कि देखते हैं स्टीम पावर प्लांट में
हमें वाटर रिसोर्स लगेगा, कोल फ्यूल्स लगेगा और हमारे सेटअप्स कॉस्ट लगेंगे, दैट इज ए इनपुट। और ये इनपुट एक प्रोसेस के थ्रू आउटपुट में कन्वर्ट होगा और आउटपुट होगा हमारा एनर्जी कन्वर्शन, दैट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस बिटवीन जो भी हमारे इनपुट्स देने के बाद मशीन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और फाइनली मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, दैट इज ए आउटपुट। इस बिटवीन हमें मेंटेनेंस करना है, तो मेंटेनेंस का पर्पोज होता है, मींस मीनिंग होता है टू इंश्योर कंट्रोल एंड मैनेज प्लांट अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो हमारे जो ओवरऑल प्लांट में जो भी सिस्टम है उसको इंश्योर करना है, कंट्रोल भी करना है और प्लांट को मैनेज करना है उसके अवेलेबिलिटी के हिसाब से और रिलायबल भी बनाना है, दैट इज नथिंग बट द मैनेजमेंट ऑफ वर्कफोर्स स्पेयर्स टूल्स एंड इंफॉर्मेशन, दैट बिटवीन ए मेंटेनेंस। तो किसी भी इनपुट को आउटपुट कन्वर्ट करते हुए हमें मेंटेनेंस के थ्रू प्रोसेस अचीव करनी है। अगर हम उस चीज का मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो उस पावर प्लांट की जो भी अवेलेबिलिटी है और रिलायबिलिटी है उसको हम लूज करेंगे फॉर परमानेंटली। सो मेंटेनेंस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म इन ऑल इंडस्ट्री इन बिटवीन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर जनरेशन, दैट इज ए प्रोसेस ऑफ थर्मल इफिशियंसी इंक्रीजिंग गैस टर्बाइन। नाउ वी डिस्कस अबाउट मेंटेनेंस ऑफ गैस टर्बाइन पावर प्लांट। तो जिस तरह से हमने स्टीम पावर प्लांट का मेंटेनेंस देखा उसी तरह से गैस टर्बाइन पावर प्लांट के कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं जिसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस किस तरह से करना है, जैसे कि स्टैटिक ब्लेड ऑफ टर्बाइन। इसमें अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको वेरीफाई करना है वेल्डिंग रिपेयर ऑफ क्रैक्स और इट्स बिल्डअप, ब्रेजिंग एंड डिफ्यूजन बॉन्डिंग, क्रीप डिफॉर्मेशन रिपेयर एंड रिकोटिंग ऑफ स्टैटिक ब्लेड ऑफ टर्बाइन। टर्बाइन बकेट में अगर प्रॉब्लम है तो आपको चेक करना है और रिप्लेस भी करना है टीफ वेल्डिंग बिल्डअप एंड रिकोटिंग। कंबशन लाइनर में अगर प्रॉब्लम है तो वेल्डिंग रिपेयर ऑफ क्रैक्स पार्ट्स आपको चेक करना है और उसको वेल्ड रिपेयर करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग सील कॉलर्स एटसेट्रा ऑल्सो रिकोटिंग हियर। ट्रांजिशन पीसेस में अगर प्रॉब्लम है तो दैट यूटिलाइज वेल्डिंग रिपेयर ऑफ क्रैक्स एंड एब्रेशन, क्रीप डिफॉर्मेशन रिपेयर एंड ऑल्सो इन रिकोटिंग। Now the time is to discuss practical outcome achieved by this video practical lecture as develop maintenance procedure for preventive and predictive maintenance of a typical gas power plant and its components. Program outcome achieved by this video lecture PO1, PO5, PO6 and PO7 are mapped by this practical video lecture. Thank you, happy learning, stay online.